हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे मेवा पाक। पाक को सेट करने के लिए एक थाली में घी लगा लेंगे। पाक बनाने से पहले थाली में घी लगा के रख लेंगे। घी को अच्छे से फैला लेंगे थाली में। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को लो फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। गैस फ्लेम लो है। 100 ग्राम बादाम, बादाम मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 100 ग्राम काजू, काजू को भी मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 100 ग्राम मगज, मैंने तरबूज के बीज लिए हैं। ड्राई फ्रूट को लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए। मगज चटकने शुरू हो गए हैं। इसमें डालेंगे 100 ग्राम नारियल। नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। नारियल को भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। नारियल डालने के बाद ड्राई फ्रूट को मैंने 1 मिनट के लिए और भूना है लो फ्लेम पे। गैस फ्लेम बिल्कुल लो है। ड्राई फ्रूट भून गए हैं, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे एक थाली में। जिस कढ़ाई में ड्राई फ्रूट भुने हैं इसी कढ़ाई में चीनी डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। आधा किलो चीनी ली है मैंने। गैस फ्लेम अभी बंद है। इसमें डालेंगे पानी। 250 ml पानी लिया है मैंने। जितनी चीनी ली है उसका आधा पानी लिया है। पानी मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया है। 240 ml का कप है ये। थोड़ा सा पानी और लिया है। कप 240 ml का है। चीनी में मैंने 250 ml पानी डालना है। थोड़ा सा पानी और लिया है मैंने। गैस फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस फ्लेम फुल है। चीनी की चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने चीनी को तोल के लिया है और पानी को मेजरिंग कप से नाप के लिया है। अगर आप चीनी को कटोरी से नाप रहे हैं, जिस भी कटोरी से आप चीनी को नाप रहे हैं, अगर आपने 2 कटोरी चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए, आप उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ले लीजिए। चाशनी में उबाल आ गया है। गैस फ्लेम फुल है। चाशनी को 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं चाशनी को फुल फ्लेम पे पकते हुए। चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। पाक बनाने के लिए हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। भुने हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। चला देंगे। चाशनी के साथ ड्राई फ्रूट को 3 से 4 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पकाएंगे लगातार चलाते हुए। मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। चला देंगे। पाक बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट मोटे टुकड़ों में काट के डाले हैं। आप मिक्सी में दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट चाशनी में अच्छे से मिल जाएंगे और मिश्रण जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। पाक का मिश्रण गाढ़ा हो गया है। गैस फ्लेम बंद कर देंगे। मिश्रण को थाली में डालेंगे। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं कद्दू के बीज। एक कटोरी लेंगे। कटोरी के तले में मैंने घी लगा लिया है। हल्के हाथ से दबा देंगे। पाक को सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट लग गए थे पाक को सेट होने में। 10 मिनट बाद पाक को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। पाक बहुत ज़्यादा गर्म था, पाक को काटने में परेशानी होती, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। पाक अच्छे से सेट हो गया है। काट लेंगे चाकू से।
अगर पाक को चाकू से काटने में परेशानी हो रही है, आप पाक के हाथ से भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अगर आपको मेवा पाक की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाक को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं।